हमारा बैरी कोई लोग नहीं है, दुष्ट है जो लोगों में से होके ही काम करता है। परमेश्वर भी लोगों में से होके काम करता है और शैतान भी लोगों में से होके काम करता है। अब परमेश्वर, शैतान और परमेश्वर ऐसे तो नहीं आमने सामने खड़े हैं, हाँ? इधर परमेश्वर के लोग होते हैं जो प्रभु की आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो शांति प्रेम लोगों को ब्लेस करते हैं। दूसरी तरफ इनके बैरी खड़े होते हैं जो परमेश्वर के लोगों पे दोष लगाते हैं, उन्हें मारते हैं, उनको गलत बोलते हैं। वो दुष्ट की आत्मा के द्वारा चल रहे होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रेम नहीं, नफरत ही नफरत भरी होती। तो ये कंट्रोल है हर मनुष्य के ऊपर, या तो परमेश्वर का कंट्रोल है या दुष्ट का कंट्रोल है। आप किसके हाथ में अपनी लगाम देते हो वो आपके हाथ में। आप शैतान के हाथ में लगाम दोगे, शैतान आपको चलाएगा। आप प्रभु के हाथ में दोगे अपनी लगाम, वो आपको चलाएगा। बहुत सारे लोग झूठ पे फेथ करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं आज। इसीलिए वचन को पढ़ो और उन्हें बोलो, मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ, मैं कभी लज्जित नहीं। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु के नाम से मैं यहोवा पे भरोसा करता हूँ, मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा। अब विश्वास की प्रेयर करते जाओ, विश्वास के कन्फेशन करते जाओ। मैं बोल रही हूँ फेवर आगे बढ़कर आपको मिलेगा। बाइबल कहती है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। चलते जाना, चलते जाना, रुकना। इसराइलियों के साथ एक मोड़ने वाला हमेशा रहता था। आपके साथ भी हमेशा कोई एक व्यक्ति होगा जो आपको प्रभु के मार्ग से बोलेगा हट जा, भटक जा, पीछे मुड़ जा, मत जा। एक आवाज आपके साथ हमेशा होगी जो आपको पीछे की ओर खींचेगी, मिश्र की ओर खींचेगी, संसार की ओर खींचेगी, पुराने जीवन की ओर खींचेगी। एक कांटेक्ट ऐसा होगा आपका, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको पीछे की ओर बार बार, जरा सा मुसीबत आएगी पीछे चल, संसार में चल, वही पुराने पाप में चल, उसको फोन कर ले, वो तेरी मदद कर देगा। शायद झूठ बोलता तुम्हें, जब मिश्र में से हम कितनी बुरी तरह से निकले हैं, अब फिर वही संसार में जाने की, तब भी वही मिश्र था, आज भी वही मिश्र है। याद रखिए, संसार बदला नहीं है और दुष्ट हो गया है। हमें लगता है ना कि अब तो चीज़ें, अरे क्योंकि हम ना अच्छी अच्छी चीज़ें देखते। शैतान हमें बुरी नहीं दिखाता, वो अपनी असलियत नहीं दिखाएगा कभी भी, वो हमें लुहाबने वाली चीज़ें दिखाता है बस, अच्छी चीज़ें जिससे हमारा मन क्या है, परमेश्वर से हट के उसकी ओर लग जाए, और रिजल्ट नहीं बताता। मैं हमेशा बोलती हूँ परमेश्वर ने हर चीज़ का रिजल्ट लिखा। प्रभु ने कहा अगर तू इस पेड़ के फल को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। शैतान हमेशा आपसे गलत चीजें कराएगा और रिजल्ट नहीं बताएगा। तू ये कर ले कुछ नुकसान नहीं होगा, तू व्यभिचार कर ले सब कर रहे कोई बात नहीं, तू ये कर ले, वो हमेशा आपको झूठ बोलेगा और उसका रिजल्ट नहीं बताएगा। रिजल्ट जब आता है तब हम चीखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें रिजल्ट बताता है, और लोगों को हजम नहीं आता, लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन शैतान बिना बताए गलत रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में लेके आता। हम एक युद्ध में हैं और हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, कि नहीं? जो लड़ते हैं वो हमेशा जीतते हैं क्योंकि वो जयवन से बढ़कर पहले से ही हैं। पर जो हाथ पे हाथ धरे रोना धोना ये चीजें, वो हमेशा युद्ध हार। मुश्किल समय पे खड़े रहना मुश्किल होता है, और यदि आप खड़े रहे तो मैंने बोला हर युद्ध आप जीतोगे यीशु के नाम से। बहुत मुश्किल हो रहा है, तकलीफ हो रही है, विपरीत लोग, विपरीत परिस्थितियां, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे इफिसियों 6 उसका 13 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। खड़े रहना, हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है, तुम खड़े रहो बस। 1 पत्रस 5:9 विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। कैसे सामना करेंगे शैतान का? विश्वास में दृढ़ होकर हम उसका सामना कर सकते। 2 कुरिन्थियों 5:15 और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जाएं, ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्या लिखा है कि अब हम अपने लिए ना जिएं, हम उसके लिए जिएं जो हमारे लिए मरा। तो अब हम अपने लिए ना जिएं, अब हम जो हमारे लिए मरा हम उसके लिए जिए, मसीह के लिए जिए। 1 कुरिन्थियों 16:13 जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रभु क्या चाहता है, हम विश्वास में स्थिर रहें, विश्वास में जड़ पकड़ते जाएं।
कितने भी आंधी तूफान आए हमारे पैर उखड़ने ना पाए, हमारा विश्वास उखड़ने ना पाए। फिलिपियों 4 उसका 1 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। शैतान सबसे ज्यादा आपकी स्थिरता के ऊपर अटैक करता है। ये प्रभु में बना कैसे हुआ है, ये प्रभु में स्थिर कैसे है, ये इतना दुख सह लेता है पर प्रभु को नहीं छोड़ता। उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी स्थिरता से है, आपके बने रहने से है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये व्यक्ति बना रहा तो एक दिन ये फलवंत होगा, एक दिन ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, एक दिन ये बहुत सारे लोगों को आसरा देगा। वो हमेशा तुम्हारी जड़ को, विश्वास की जड़ को, वचन की जड़ को उखाड़ने में लगा रहता है। कितनी जगह पे प्रभु कह रहा है और भी बहुत सारे वचन है कि तुम स्थिर रहो। जब इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चला सबसे पहले अकाल आया। क्या प्रभु ने इब्राहिम को नहीं बुलाया था, इब्राहिम तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तो हम कहें कि अगर परमेश्वर है, प्रभु ने हमें बुलाया है, मैंने प्रभु की आवाज को सुना है, तो ये अकाल क्यों आया? पर प्रभु ने क्या किया, उस अकाल में भी उसको भरपूरी दी। परमेश्वर विश्वास का योद्धा, उसको एक दिन में नहीं बन गया था वो विश्वास का योद्धा। प्रतिदिन जब वो विपरीत परिस्थिति, विपरीत लोगों के बीच में रहा और प्रभु पे उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए एक दिन वो विश्वास का योद्धा बना। 24 साल बच्चा नहीं हुआ, फिर भी वो प्रभु में बना रहा, स्थिर रहा। कितनी सारी चीजें जो उसके मार्गों में आई, आप पूरी बाइबल पढ़ो, हर एक के विषय में आप पढ़ो। जितने भी लोग आज विश्वास के योद्धा जिनको हम कहते हैं, उन्होंने अपने युद्ध लड़े और उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रख के अपने युद्ध लड़े और वो आगे बढ़े और अपनी दौड़ को पूरा किया। यूसुफ परमेश्वर के पीछे चला, कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी सताव, कितना सारा चीजें, पर वो क्यों पहुंच पाया? क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति, विपरीत लोगों के बीच में रह के भी अपने विश्वास को मेंटेन कर पाया। उसने वो एक चीज जो प्रभु के साथ संबंध था उसको नहीं तोड़ा। हमेशा हम ऊब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही चीजें, ये विपरीत परिस्थितियां, ये क्या हो रहा है सब, लेकिन वो सारी चीजों के बीच में भी प्रभु के साथ अपने संबंध, अपने भरोसे को, उन्होंने सेंटर पॉइंट हमेशा प्रभु को रखा। इसलिए परिस्थितियां आती तो थी पर उनके विश्वास को हिला नहीं पाती। जब यीशु मसीह हमारा प्रभु खुद जब इस धरती पर था, आप बताओ कहाँ पे परिस्थितियां उसके साथ थी, कहाँ पे लोग उसके साथ थे? लगता था भीड़ जब उसके पीछे चलती थी, पर अंत में कोई नहीं, यूहन्ना एक चेला उसका बस खड़ा था सामने। लेकिन क्या यीशु ने अपनी दौड़ को पूरा किया? नहीं किया। क्यों कर पाया? क्योंकि वो पिता से कनेक्ट रहता था। वो हमेशा, मैं अपनी मर्जी नहीं, मैं पिता की मर्जी पूरी करने आया। उसने परवाह नहीं की लोगों की, उसे कोई भी व्यक्ति उसके सामने कैसी भी परिस्थिति होती थी, वो एक ही चीज, उसको वही करना था जो वो पिता को करते थे। बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, बहुत बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी जब आप परमेश्वर की मर्जी पे चलोगे, मैं आपको सच बता रही हूं। लेकिन एक समय आएगा जब आपकी विटनेस दी जाएगी कि ये व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत लोगों के बीच में रह के भी इसने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, इसने विश्वास नहीं छोड़ा, ये खड़ा रहा। मैं आपको बोल रही हूँ, दुनिया आपकी विटनेस देगी। बहुत सारे चले, नाश हो गए, कोई नहीं। आज हम यहोशू कालेब को याद करते हैं, उनके विश्वास की दौड़, उनके देखने का नजरिया, उनका प्रभु पे भरोसा रखना। वो किसी परिस्थिति से नहीं डरे, किसी अनाकवंशी से नहीं डरे, उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। आपके देखने का नजरिया क्या है? जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके देखने का नजरिया होगा। अब यहाँ पे खड़े होकर जो चीजें बोल रही हूँ ना, मैं सिर्फ भी प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं वो समझती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने उन चीजों को जिया है अपनी लाइफ में, उन परिस्थितियों से निकले हैं हम, इसलिए एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वो बहुत सोच और समझ के, समझ रहे हैं, और जी के फिर वो शब्द निकलता है। इसीलिए तुम चल पाते हो, तुम भीड़ नहीं हो, तुम भेड़ हो यीशु की। इसलिए हा 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 करके जो मुंह में आया निकाल दिया। जब तुम बोल रहे हो तो तुम पहले उसे समझो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, प्रभु सुन रहा है तुम जो बोल रहे हो। लोगों को खुश करने के लिए मत बोलो कुछ भी। तो कभी ये चीज मत सोचना कि आप मसीह जीवन में चल रहे हो तो परिस्थितियां सारी आपके अनुकूल होंगी। आपको रोज
एक युद्ध आपको लड़ना पड़ता है, कम से कम। ज्यादा बड़े योद्धा हो जाते तो ज्यादा 10-10 युद्ध भी लड़ लेते हो इकट्ठे, पर एक युद्ध तो आपके साथ हमेशा रहता है जिसे आपको लड़ना है। विपरीत लोग, विपरीत परिस्थितियां हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि दुष्ट है हमारा बैरी, कोई लोग नहीं है। दुष्ट है जो लोगों में से होकर ही काम करता है। परमेश्वर भी लोगों में से होकर काम करता है और शैतान भी लोगों में से होकर काम करता है। अब परमेश्वर, शैतान और परमेश्वर ऐसा तो नहीं आमने सामने खड़े हाँ। इधर परमेश्वर के लोग होते हैं जो प्रभु की आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो शांति प्रेम लोगों को ब्लेस करते हैं। दूसरी तरफ इनके बैरी खड़े होते हैं जो परमेश्वर के लोगों पे दोष लगाते हैं, उन्हें मारते हैं, उनको गलत बोलते हैं। वो दुष्ट की आत्मा के द्वारा चल रहे होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रेम नहीं, नफरत ही नफरत भरी होती। तो ये कंट्रोल है हर मनुष्य के ऊपर, या तो परमेश्वर का कंट्रोल है या दुष्ट का कंट्रोल है। आप किसके हाथ में अपनी लगाम देते हो वो आपके हाथ में। आप शैतान के हाथ में लगाम दोगे, शैतान आपको चलाएगा। आप प्रभु के हाथ में दोगे अपनी लगाम, वो आपको चलाएगा। लगाम हर चीज पे जरूरी है, जवान पे भी लगाम जरूरी है, चाल चलन पे भी लगाम जरूरी है, हर चीज के ऊपर एक लगाम बहुत जरूरी है। आज बेलगाम हो गई ये दुनिया, मेरी मर्जी, मैं जो भी मर्जी करूं, मुझे कोई रोको ना, कोई टोको ना, मेरा जिधर को भी दौड़ू, जिधर को भी भागू, जिधर भी जाऊं, मेरी खुली लगाम है, मुझे कोई रोके टोके ना। आज लोग ये कहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी की लगाम ना हो, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी कहीं कहीं भिड़ रहे हैं जाके, किसी के हाथ में लगाम होती है ना तो वो बचा के चलाता है तुम्हें, पता है भाई इधर खड्डा है, इधर ये, तो वो तुम्हें बचा के चलाता है। लेकिन जब तुम बेलगाम, तुम्हें तो पता ही नहीं आगे क्या है, और जहाँ पे सारे जा रहे होते तुम वहीं जा रहे होते, और तुम्हें पता ही नहीं होता कि ये आगे वाला, सबसे आगे वाला कहाँ को जा रहा है। उत्तराखंड में एक जगह है, छोटे थे तो वहाँ पे छुट्टियों के लिए कभी कभी जाते थे, मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके घर के पीछे बहुत बड़े पहाड़ थे, तो वो पूरा रास्ते लेके जाते थे कि अगर कोई जानवर अटैक करेगा तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भालू और जानवर, जंगली जानवर रहा करते थे। तो हम नीचे से पहाड़ पे चढ़ते थे, आगे बहुत बड़ा झरना था, एक बहुत बड़ा झरना नीचे, मतलब पानी था, खाली पत्थर थे और बहुत ही गहरा था। तो उसका नाम था बराती टोला। बोले ये क्या है, इसका नाम ये क्यों पड़ा, बराती टोला क्यों पड़ा? बोले यहाँ पर एक बहुत टाइम पहले एक बारात थी, तो पहले बरातें घोड़ों पे जाती थी। तो बोले कि वो सब लोग जो थे ना, वो एक के पीछे एक के पीछे एक चल रहा था, तो एक रास्ता भटक गया, और जब रास्ता भट गया तो वो छलांग लगाई उसके पहाड़ी के नीचे, तो एक एक करके सारे उसके पीछे दौड़ गए, और यहाँ पर सुबह क्या था, पूरी की पूरी बारात जो है वो नीचे गिर के मर गई थी, और सारी लाशें यहाँ पर पड़ी थी। तो उसका नाम इसलिए ये पड़ा। आगे वाला कहाँ जा रहा है नहीं पता, सब उसके पीछे जा रहे हैं और सब विनाश की ओर, सब मर गए। ऐसी संसार की जो अगुवाई है वो दुष्ट कर रहा है और वो विनाश की ओर जा रहा है। हमें पता है हमारा परमेश्वर जो हमें इतने बड़े संघर्ष से निकाल के लाया है, और जो हमें कहता है, वायदा करता है हमारे साथ कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर रखूंगा जहां मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ वायदा करता है, और जो उसके पीछे चले उनके रिजल्ट भी हमने देखे। तो हम परमेश्वर पे भरोसा करके उसके पीछे चल रहे हैं। हमने अपनी लगाम क्या है, यीशु मसीह के हाथ में दे रखी है। कुछ दिन पहले एक दर्शन देख रहे थे, कहते शैतान दो मार्ग देखे गए, दो मार्ग। एक मार्ग पे शैतान के लोग थे, और वो बड़ा ही सुंदर सुंदर चीजें उस गेट के बाहर उन्होंने लगाई, उस रास्ते पे लगाई हुई, और काफी चौड़ा मार्ग था, और बड़े लोग आराम से बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उस पर चल रहे थे, और बड़ा, और वहां पर जो शैतान के दूत थे ना, बोलते आ जाओ इधर से आओ, ये बहुत अच्छा मार्ग है, ये बहुत चौड़ा मार्ग है, ये देखो बहुत सुंदर चीजें हैं यहाँ पे, तुम इधर आओ। और एक मार्ग जो था वहां पर दो दूत खड़े थे, और वो सकरा मार्ग था, और वहां पे जीवन का मार्ग, सत्य का मार्ग, और वहां पे दो दूत खड़े थे, पर वो फोर्स नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रभु ये क्यों,
उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है और प्रभु चाहता है कि हम अपनी इच्छा से सही चुनाव करें। प्रभु ने हमें जबरदस्ती नहीं, प्रभु ने कहा मार्ग ये है और मैं तुम्हें चुनाव देता हूं, चुनाव तुम्हारा है कि तुमने कौन से मार्ग पे जाना है। तो वो दूत कुछ नहीं कह रहे थे, वो खड़े थे और जो उधर आ रहा था उनको स्वागत कर रहे थे और उनको आगे लेके जा रहे। प्रभु के मार्ग पे प्रभु जबरदस्ती नहीं कर, दुष्ट के मार्ग पे डरा डरा के, ये नहीं किया ना तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया ना ये हो जाएगा, डराते हैं। लेकिन प्रभु के मार्ग में प्रभु ने हमें फ्री विल दी है, स्वेच्छा, अपनी मर्जी के साथ हम चुनाव करें, सही का चुनाव करें। हम देख रहे हैं क्या क्या संसार में घट रहा है। मैं कल एक न्यूज़ देख रही थी, एक रोबोट ने 12 रोबोट किडनैप कर लिए और ये सच है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, अंत के दिनों में मूर्तियां बोलेंगी, इनको कपड़े पहना दो कोई से भी आपको वही दिखेंगी। और AI इतना खतरनाक होता जा रहा है, एक छोटे रोबोट ने 12 रोबोट को किडनैप कर लिया और पूरा कैमरे में आई है पूरा उसकी पिक्चर। हमें लग रहा है ये मशीनें हैं, आप जानते हैं इनके सेंसेस आ रही हैं इनके अंदर। एक व्यक्ति AI से कुछ सवाल कर रहा था, वो बोलता तू धरती पे बो जा, तू मर जा, वो कुछ पूछ रहा था उससे, वो उसको वो जवाब दे रहा है। इसी मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। और जिसने बनाया ना वो भी कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक, ये सच्ची घटना है, ये प्रूफ हो चुका। रोबोट आर्मी में जा रहे हैं, रोबोट खाना बना रहे हैं, रोबोट सर्व कर रहे हैं, रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं, बंदों की लोड़ नहीं है कि उन सब रोबोट कर रहे हैं। अभी लोगों को लग रहा है ये इंसानों के लिए है, एक टाइम आएगा बोले नौकर लगा उन तुम्हारा, बोलेगा बोले चल। और अब पता है वो क्या हुआ घटना बताते हैं, कि वो छोटे रिपोर्ट ने पूछा कि तुम्हारी छुट्टी, वो कहता हमारी तो कोई छुट्टी होती नहीं है। उससे पूछा भाई तुम घर नहीं जाते, बोलते हमारा तो घर भी नहीं है, तो बोलते चलो मैं अपने घर लेके चलता हूँ। अभी हमें हंसी आ रही है, ये बर्बादी का चिन्ह है, ये टेक्नोलॉजी मनुष्य से ऊपर हो गई है। अभी शैतान अब बोलेगा भाई अब क्या करें, हो गई गलती, अब तुम्हें अगर मशीन से ज़्यादा तेज बनना है तो तुम्हें भी मशीन बनना पड़ेगा। और मशीन बनने के लिए भाई तुम्हारे अंदर एक, जैसे इनके अंदर चिप डाल दी ना, वो बोलते हैं वही, तुम्हारे अंदर भी चिप डालनी पड़ेगी, तब तुम इनसे जीत सकते हो, इनके बराबर काम कर सकते हो। और अब तो आने वाले टाइम में तुम्हारे अंदर भी एक एक चिप डालेंगे, बाइबल में लिखी है। हाँ, शैतान क्या करेगा, उसके बिना लेन देन नहीं कर पाएंगे। अभी हमें, हम एंड टाइम में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल एंड के भी एंड टाइम, प्रभु का आगमन किसी भी घड़ी हो सकता है। और ये सारे चिन्ह हैं इस चीज के, जानवरों को तो लगी गई है, आप देखो कहीं पे गाय घूमती है, कुत्ते घूमते हैं, उनके ऊपर चिप लगी होती है, कहीं भी हो मिल जाते हैं वो। तो ये सारी चीजें यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमें बता दी थी, ये होगा, मूर्तियां बोलेंगी, हाँ वो चिन्ह तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे माथे पे लगेगा, जिसके बिना तुम लेन देन नहीं कर पाओगे, उसका नंबर 666 होएगा। तो हम देख रहे हैं हम अंत के कितनी नजदीक पहुंच चुके हैं, हमें तैयार रहना। प्रभु क्यों कह रहा है स्थिर रहो, स्थिर रहो। और हमें एक वॉरियर की तरह, अगर आम विश्वासियों की तरह जीवन नहीं चलने वाला, परिस्थितियां और विपरीत होंगी, लोग आपके और विपरीत होंगे, इसलिए नहीं कि आप बुरे बन गए हो, आप मसीह में आके तो अच्छे बन गए हो, तो भी लोग आपके बैरी ज्यादा बनेंगे, इसीलिए आपको प्रार्थना में युद्ध करना है, प्रेयर वॉरियर बनना। बोलो मैं यहोवा की सेना हूं, बोलो मैं यहोवा की सेना हूं, बोलो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से, बोलो मैं एक योद्धा हूं। आपको एक एटीट्यूड रखना है योद्धाओं की तरह। योद्धा रोते धोते हैं क्या? हाँ हाँ, वो लड़ते हैं, हर परिस्थिति में वो तैयार रहते हैं। भूल जाओ अब ये एक कंफर्ट वाली लाइफ, आप एक वॉरियर हो और दिन रात आपको तैयार रहना है, दर्शन में चलना है, आप अपने विश्वास को स्ट्रांग करो। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, हमेशा हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए।
और आपने अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करना है।